क्या हाल आप सारों का? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू डॉक्टर रूबा। आपने इतना हमारे लिए बात एफर्ट किया सुबह सवेरे, है, थैंक मैंने यू कहा सो चलो मच। हमने इतने अब यहाँ तक आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी अब सारा अच्छा हो जाए। आप लोगों का ना एग्जाम मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं ना, हो जाएगा इंशाल्लाह। बस कॉन्फिडेंट रहना है, हो जाता होता है। चलो मैंने कहा कि सर चलो एक ये वाली क्लास रखते हैं, वी हैव लाइक अराउंड 1 आवर एटलीस्ट, 1 घंटा इंशाल्लाह देते हैं। कोई क्वेरीज, एग्जामिनेशंस, मुश्किल मुश्किल वाले एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, और कोई अगर और कोई आप लोगों के सवाल हो वो कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर रूबा, ये बताएं कि जब ये मोलार का आता है गायनी वाले में, तो उसमें पर जाने एग्जामिनेशन हमें करना पड़ता है? देखो द थिंग इज कि वी डोंट नो एग्जैक्टली एट दैट टाइम कि वो मोलर प्रेगनेंसी है कि नहीं है। हमने तो उसका डीडी बना के चलना है ना, जैसे अगर वो मोलर भी हो और उसका डीडी में अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, इवन एक्टोपिक एंड मोलर, और वो एक्सेप्ट के पेशेंट खुद कहे कि मुझे मोलर प्रेगनेंसी है और मेरा हिस्टोपैथोलॉजी हुई थी उसमें मोलर आया था और अब मैं कीमो पे हूँ या एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा भी पेशेंट हो सकता है। तो फिर आप कह सकते हो कि शी इज हैविंग मोलर, शी इज अ नोन केस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, सो आई डोंट रियली वांट टू डू हर वजाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ दीज दीज रिस्क। लेकिन अगर वो पेशेंट भी श्योर नहीं है, आप भी श्योर नहीं हो, तो फिर एक जेंटल सी पेल्विक कर लेनी है। अगर कुछ ऑब्वियसली उस पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन या उसका रिस्क हुआ तो एग्जामिनर आपको खुद ही रोक देंगे। लेकिन अगर एक पेशेंट खुद मोलर डायग्नोस्ड केस ऑफ मोलर है तो फिर आप कह सकते हो कि डूइंग हर वजाइनल एग्जामिनेशन इज वेरी रिस्की, यूं करके ना। अच्छा डॉक्टर रुबा, मुझे ये बता दें कि जो हम लोग वीएच और इंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर करते हैं, पहले हमने यूट्रस सारा निकाला, ठीक है, उसके बाद हमने एंटीरियर रिपेयर किया, फिर वो जो एंटीरियो सील होता है उसको हम पोस्टीरियर रिपेयर के साथ ही करते हैं बिफोर क्लोजिंग दी लिगामेंट्स। वॉल्ट होती है ना? नहीं हाँ वॉल्ट। देखो, हाँ देखो नहीं, उसके अंदर यही होता है कि जब आपने वीएच कर ली तो वीएच के बाद आपने वहीं पे ही जब उसकी यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स आपस में टाई कर ली है उसकी, इफ यू आर क्लोजिंग द पेरिटोनियम और इफ यू आर नॉट इवन क्लोजिंग, तो कुछ लोग पेरिटोनियम क्लोज करते हैं और यूट्रोसेक्रल्स तो हर कोई लगाता है आपस में, जिसे हम कॉल कर्डोप्लास्टी कहते हैं। वहाँ हमारा वीएच का खत्म हो गया एक्सेप्ट के वॉल्ट रहेगी, राइट? बट आप इंटीरियर रिपेयर करोगे और उसके बाद साथ ही आप वॉल्ट स्टिच कर देते हो, और पोस्टीरियर रिपेयर तो आप बाद अलग भी कर सकते हो ना, मतलब इट्स अ सेपरेट थिंग, इवन पोस्टीरियर रिपेयर वॉल्ट से अलग चीज है। अच्छा नहीं, लेकिन अगर एंटीरो सील जैसे होता है, हम लोग कहते हैं ना कि मैकॉल्स में हम लोग एंटीरो सील भी हमारा हो जाता है, सिस्टोसील जो कवर, है, हाँ, एंटीरो सील भी कवर हो जाता है, और इसके अलावा हमारा वॉल्ट मैकॉल्स भी में अप नहीं हो होता है। जाता है। नहीं, वॉल्ट तो आप हो जाता है, लेकिन मैकॉल्स के अंदर आपका एंटीरोसील या सिस्टोसील नहीं होता। सिस्टोसील के लिए आपने इंटीरियर रिपेयर कर रहे हो या कैली सूचर और इंटीरियर रिपेयर, बट जो मैकॉल्स है ना वो आपके वॉल प्रोलैप्स को बचाने के लिए, जिसमें आप तो कह रहे हो मतलब ना कि वो जब भी हम ऊपर को पुल अप कर लेते हैं यूट्रस को, या वो सब होते हैं स्लिंग प्रोसीजर्स जिसमें सेक्रोकॉल्पोपेक्सी या सेक्रोहिस्टरोपेक्सी, और वो वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं ना उसके अंदर होता है कि जब आपने यूट्रस को ऊपर मेश के साथ ले आए, जैसे हर्निया रिपेयर होता है मेश के साथ, जब आप ऊपर ले आते हो यूट्रस को या वॉल्ट को, तो उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्स भी ऊपर चली जाती हैं। तो देर आर फ्यू प्रोसीजर्स जैसे स्लिंग प्रोसीजर वगैरह है जिसके अंदर यू डोंट नीड टू डू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर, लेकिन मैनचेस्टर रिपेयर ऐसी है जिसके अंदर आप कहोगे मैनचेस्टर रिपेयर प्लस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर, वीएच विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिपेयर। वीएच का पार्ट है मैकॉल कर्डोप्लास्टी, बट एंटीरियर रिपेयर इज अ सेपरेट थिंग, राइट? मैकॉल्स के साथ आप उसको मिक्स ना करो, मैकॉल्स इज नॉट गोइंग टू ट्रीट सिस्टोसील एट ऑल, राइट? मैकॉल्स यू आर डूइंग टू गिव सपोर्ट टू द वॉल्ट। और एंटीरोसीन, मैं इसकी एंटीरोसीन। एंटीरोसील इज अ एंटीरियर एंटीरियर थिंग कमिंग आउट ना, तो दैट इज अ सिस्टोसील एक्चुअली। ठीक है, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया डॉक्टर, एंटीरोसीन है डॉक्टर सिंह बाबा। इंटीरियर तो नहीं होता, वो तो पोस्टीरियर होता है ना, रेक्टोसील है ना पोस्टीरियर? अच्छा एंटीरोसीन। एंटेरोसील कह रहे हो, एंटेरोसील कह रहे हो, ENTER, राइट? आई जी थॉट जी जी इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स। अच्छा, दैट वी डोंट कॉल एंटीरोसील, इट्स कॉल्ड एंटेरोसील।
एंटेरिक, एंटेरिक इज रिलेटेड टू गट, राइट? वो उसके आपके थोड़ा सा वो मुझे प्रोनाउंसिएशन में लगा कि एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स का आप एक्चुअली, यस एंटेरोसील इज द पोस्टीरियर, व्हाट इज एंटेरोसील एंड व्हाट इज रेक्टोसील, दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स, दीस बोथ आर द पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स. एंटेरोसील इज द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोलैप्स इन द वजाइना, राइट? एंड रेक्टोसील इज द रेक्टल प्रोलैप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अपने एक लेक्चर में बड़ा बहुत डिटेल में किया हुआ है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बट मैं एक दफा आप लोगों को क्विकली समराइज कर देती हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट. इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट एनाटॉमी. ये आपकी एनाटॉमी क्लियर हो तो आपको सारा पता लग जाएगा. दो तीन चीजें होती हैं प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन में, नो डाउट डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स तो है ही, बट वेन एवर द यूट्रस इज कमिंग आउट देर हैज टू बी द एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स एंड द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स. ठीक है, इन एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स वी हैव द ब्लैडर प्रोलैप्स व्हिच इज द सिस्टोसील. In posterior vaginal wall prolapse, we have enterocele, which is E-N-T-E-R-O, enterocele, and we have the rectocele, right? Enterocele is a very, very rare thing to happen. Exam ke andar, agar kabhi aapko, it's a little tip for you in the exam, ke agar kabhi halki pulki nazar bhi aaja, try not to mention, especially in up to second degree uterine, uterovaginal prolapse. More than 90% of women have second degree uterovaginal prolapse. Exam ke andar common things happen commonly. Ya hum to kehte exam mein only common things happen. Rare cheezon ko side pe rakh do. Agar exam mein if you are confused, you get confused aur wahan pe zahir aap itne us exam phobia ke andar hote ho, to usme agar you even forget to mention or you even forget to find out the degree of prolapse of the uterus. होता है ना एग्जामिन करके आगे, बट यू डोंट रियली रिमेंबर कि सेकंड डिग्री था क्या था, कंफ्यूजन में भूल भी जाते हैं. बहुत लोगों ने एग्जाम में एक्सपीरियंस किया होता है, कुछ याद नहीं आ रहा, जस्ट से सेकंड डिग्री प्रोलैप्स. योर पेशेंट इज गोइंग टू हैव समथिंग विच हैज इन एवरी वुमन, इट्स गोइंग टू बी सेकंड डिग्री प्रोलैप्स. थर्ड डिग्री प्रोलैप्स इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू फाइंड. फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स में हमारे मुल्क की औरतें मोस्टली प्रेजेंट ही नहीं करती हॉस्पिटल में, तो मोस्टली इट्स गोइंग टू बी सेकंड डिग्री प्रोलैप्स, राइट? In second degree prolapse, you don't have enterocele. Even if you have enterocele, better not to mention, because enterocele is entirely a different subject. Iski puri management aur tarah ki hai, iski discussion aur hai, iski surgery aur hai, iski management mein agar examiner aapko le jaye to iska matlab ye hai ki wo aapko bilkul pass nahi karna chahta, theek hai? To aapke mareez ke andar second degree uterovaginal prolapse with moderate cystocele and rectocele hogi. Never forget to mention anterior and posterior vaginal wall prolapse in a uterine prolapse patient. Uski wajah ye hai ki jab uterus bahar aayegi vagina se to wo apne sath anterior posterior vaginal walls definitely leke aayegi, definitely. Hum log bhul jate hain, bahut sare log exam mein confusion mein they forget to mention the anterior vaginal walls in the patient of a ACM kehte hain na utero vaginal prolapse. We never say it uterine prolapse only, it's always UV prolapse. उसकी वजह ये होती है, आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल कि आप कह लो कि एक झूला है जो दो दरख्तों के बीच में लगा हुआ है, राइट? जो दो दरख्त है वो एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स है, और जो झूला है दैट्स अ यूट्रस एक्चुअली. जब झूला सेंटर से बाहर नीचे आएगा, यानी सेंटर से झूला डिसेंड होगा, तो वो अपनी एंटीरियर और पोस्टीरियर जो उसका जहाँ पर वो लगा हुआ है दरख्तों के साथ, वो उन दोनों को साथ लेके नीचे आएगा. सिर्फ सेंटर पार्ट नीचे नहीं आएगा, वो आगे और पीछे से भी नीचे आएगा, राइट? तो यूट्रस कैन नॉट कम आउट ऑफ वजाइना विदाउट ब्रिंगिंग द एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स. आई होप अब कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है इसमें. एक और भी इसमें एग्जाम्पल आती है एक टेंट की. अगर एक टेंट है और उसके छत जो है बीच में से अगर डिसेंड करेगी, तो वो टेंट अपनी एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे की वॉल्स को लेके डिसेंड करेगा. ये नहीं होगा कि सिर्फ बीच में से एक पाउच डिसेंड कर जाएगा, पूरा का पूरा आगे. सो सिमिलरली वी इसी तरह पेल्विक ऑर्गन्स का, जब बीच में से जब जिसे कहते हैं ना रूफ ऑफ द वजाइना इज कमिंग डाउन, रूफ पे क्या है यूट्रस है, व्हेन रूफ ऑफ द वजाइना इज कमिंग डाउन देन एंटीरियर वॉल विल आल्सो कम डाउन. सॉरी आई थिंक वी ऑल शुड म्यूट आवर माइक्स बिकॉज़ इंटरप्शन फिर हो रही है, मैं आप लोगों को म्यूट कर देती हूं, ठीक है? सो इस वजह से एंटीरियर वॉल्स आएंगी बाहर. So anterior wall prolapse will be the bladder coming out, which is the cystocele. Posterior में अगर large intestine prolapse है, that's the rectocele, जो के आपको outer side of the vagina में piles नजर आ रहा होता है. Enterocele is the small intestine prolapse in the vagina, जो के आपको बिल्कुल vagina के tip पे posterior fornix पे मिलता है. और sorry, I think please
अपने माइक सारे आप म्यूट कर दो। ठीक है ठीक है, किसी के बीच में क्वेश्चन हो तो वहीं पे मेरे से पूछ ले। अब आपने एग्जामिनेशन पे कैसे देखना है, एग्जामिनेशन में इंटेरोसील और रेक्टोसील को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने लेफ्ट लैटरल पोजिशन में मॉडिफाइड सिम्प पोजिशन भी जिसको कहते हैं जब स्पेकुलम डालना है और स्पंज होल्डिंग डालना है एंटीरियर वजाइनल वॉल को हमने स्पंज होल्डिंग से रिट्रैक्ट किया हुआ है और पोस्टीरियर पे हमने सिम्स डाला हुआ है और हम अभी ऐसा ऐसा वापस नहीं लेके आ रहे और हम वहीं पे रखे रखे पेशेंट से कहेंगे कफ करो, अगर तो उसी वक्त उसके सिम्स स्पेकुलम की टिप में से बल जाता है तो वो इंटेरोसील है। जब हम वापस नहीं ला रहे सिम्स स्पेकुलम उसके बगैर अभी वहीं पे रखा हुआ है यानी कि टिप ऑफ द पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे अगर कोई प्रोलैप्स आएगा दैट विल बी द इंटेरोसील, फिर हम ऐसा ऐसा उसे कफ कराते हुए वापस बाहर की तरफ लेके आते हैं अपने दोनों इंस्ट्रूमेंट्स और फिर हम उसे कफ कराते हैं। अब अगर उसमें से बल जाएगा टिप ऑफ द सिम्स स्पेकुलम पे तो दैट विल बी द रेक्टोसील, राइट? आई होप अब समझ आ गया आप लोगों को। जी डॉक्टर रूपा, अब मुझे यही एंटेरोसील के बारे में पूछना था कि हम जो मैकॉल्स कलरोप्लास्टी जब करते हैं, मतलब हमने जब निकाला यूट्रस निकाला, हमने एक्सटीरियराइज की हमें सारी लिगामेंट्स वहां पे, अब हम यानी जब बंद करेंगे पेरिटोनियम को तो उसके साथ ही इंटीरियोसील एंटेरोसील रिपेयर करके उसको वॉल को स्टिच करके एंटेरोसील रिपेयर क्या है, अल्लाह ना करे अगर इंटेरोसील पे बात हो जाए इंटेरोसील कहाँ होगी, या थर्ड डिग्री विद यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स में, इट्स नॉट इट डजंट हैपन, सेकंड डिग्री में ना बोलना इंटेरोसील, थर्ड डिग्री यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स एंड वी ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, राइट? या वो वॉल्ट प्रोलैप्स में होगी, वॉल्ट प्रोलैप्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू फाइंड इंटेरोसील, इफ अ पेशेंट इज हैविंग वॉल्ट प्रोलैप्स ही विल डेफिनेटली हैव एन इंटेरोसील एज वेल। इंटेरोसील है क्या चीज, बड़ी ही खतरनाक चीज है। Even wall prolapse में better to miss talking about enterocele. मैंने कहा है कि wall prolapse के patient में enterocele जरूर होगी लेकिन उसे ignore कर देना, खुद से ना कहना। उसकी वजह यह है कि enterocele के अंदर तो आपको पूरी posterior vaginal wall में जाकर जैसे हर्निया रिपेयर नहीं होता posterior peritoneum खोल के आपको पूरा intestine को reduce करना पड़ता है, वापस अपनी जगह पर लेकर जाना पड़ता है, at times you need to put a mesh over there as well and then do the peritoneal repair and then the rest of the repair. So enterocele repair is entirely a different subject. कभी भी exam में इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, it's always a cystocele and the rectocele that you need to know exactly कि आपने क्या procedure करना है। तो McCall's के अंदर yes you are right, it can give a bit of support but it can never if there is a proper enterocele. Enterocele means hernia of small intestine inside the posterior vaginal wall and when in the posterior vaginal wall small intestines are coming you need to do a proper procedure to reduce it if there is a genuine enterocele. If agar proper enterocele waqai wahan par mil gayi hai to phir to uske liye proper procedure chahiye. Yes, McCall's can do a bit of support, it can provide a bit of support but it is not actually a treatment for enterocele. But better not to mix McCall's with enterocele. डॉक्टर रूबा, प्राइमरी मेनोरिया की इन्वेस्टिगेशंस के बारे में थोड़ा सा गाइड करें प्लीज, कि पेशेंट जब प्राइमरी मेनोरिया के साथ आती है हम लोगों को फीचर्स आपने देख लिए थे, स्टेजिंग कर दी सब कुछ, अब जब आप इन्वेस्टिगेशंस मांगेंगे तो पहले अल्ट्रासाउंड मांगेंगे उसके बाद हार्मोनल प्रोफाइल मांगेंगे या पहले ब्लड वर्क में आप पहले हार्मोनल प्रोफाइल मांग लें फिर इन्वेस्टिगेशन? अच्छा, द थिंग इज ये जो प्राइमरी मेनोरिया ना इससे सब लोग बहुत डरते हैं, एग्जाम में आ भी जाता है, एक ना एक पेशेंट जरूर हर डे पे बैठा होता है एंड यू नो आपकी लक होती है आपको, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर के जो डिफिकल्ट केसेस होते हैं उसमें पास होना आसान होता है। तो जो प्राइमरी एमिनोरिया ना, बिकॉज क्लास इज अबाउट टिप्स एक्चुअली नाउ, अब ये बहुत डिटेल क्लास नहीं है, सिर्फ मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी। तो जो प्राइमरी एमिनोरिया ना उसके अंदर क्या होगा, मेजॉरिटी जैसे मैंने कहा है एग्जाम में एक चीज़ याद रखना है, जहाँ फंसो सोच लो कि रेयर चीज़ तो होगी नहीं, तो कॉमन थिंग्स हैपन इन एग्जाम, रेयर थिंग्स एक्चुअली नेवर हैपन इन एग्जाम, तो रेयर केसेस नहीं होंगे। कॉमन चीज़ क्या है प्राइमरी एमिनोरिया में, इम्परफोरेट हाइमन, ये नहीं नहीं वो थोड़ी इस पर भी कॉमन, इम्परफोरेट हाइमन या फिर वजाइनल सेप्टम और फिर बाकी के जो सिंड्रोम आप बोल रहे हो, और फिर वेरी वेरी रेयरली कोई यू नो इंटरसेक्स वाला या हर्मेफ्रोडाइट, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट हार्मन इज अ कॉमन केस। तो जब आपने एग्जाम के अंदर प्राइमरी एमिनोरिया देखते हैं आपने बिल्कुल उसी तरह इसको ट्रीट करना है जैसे आप एक प्रैक्टिकली ट्रीट करते हो,
इफ देर इज अ केस ऑफ प्राइमरी मेनोरिया एंड देर इज अ स्पेसिफिक, आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस तरह के केस में. आपने हिस्ट्री ली, अगर उसके अंदर साइक्लिकल लोअर पेल्विक पेन की बड़ी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है एंड देन ऑन अल्ट्रासाउंड ऑल्सो यू गेट फॉर एग्जाम्पल वजाइनल आपको ब्लड कलेक्शन मिल जाती है, हिमेटोकॉल्पस मिल रहा है या आपको इवन हिमेटोमेट्रा भी मिल रहा है या आपको कोई यूनिकॉर्नुएट हॉर्न मिल रहा है नॉन कम्युनिकेटिंग या कुछ ऐसा मिल रहा है और यू नो अगर आपको अल्ट्रासाउंड पर कुछ ऐसा मिल रहा है एंड देन अल्ट्रासाउंड तो चलो बात की बात, एग्जामिनेशन की पहले बात करते हैं. हिस्ट्री के अंदर साइक्लिकल पेन है, पेशेंट खुद से चलो कोई भी डायग्नोसिस नहीं बता रही, बट ऑन एग्जामिनेशन यू क्लियरली कैन सी अ ब्लू बल्जिंग मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ हाइमन एंड यू नो इट्स एन इम्परफोरेट हाइमन. तो फिर इस केस के अंदर आपको यू नो कैरियोटाइपिंग, ईस्ट्रोजन लेवल एटसेट्रा 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 वो सब की फिर जरूरत नहीं है. ऑल यू नीड टू नो इज द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, यू हैव डन योर एग्जामिनेशन. आपको उसके बाद इतनी महंगी और लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू डू ईयूए एंड प्रोसीड लेटर ऑन. तो आपको इस केस के अंदर सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही काफी है. हाउएवर इफ ऑन एग्जामिनेशन यू डोंट रियली फाइंड एनी इम्परफोरेट हाइमन और इवन यू डोंट हैव एनी सस्पिशन ऑफ वजाइनल सेप्टम और बल्कि आपका ज्यादा सस्पिशन वो एमआरकेट सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, यू नीड एमआरआई डन, यू नीड टू गेट दैट डन एज वेल. और तो चलो ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, या फिर आपको कोई सिंड्रोम की तरफ जा रहे हो या ऑब्वियसली टर्नर तो आई डोंट थिंक हम कभी एग्जाम में देखेंगे टर्नर या हम कभी कोई कुछ भी इस तरह का देखेंगे ना कि जिसमें हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म का केस होगा या फिर वो मतलब इतने रेयर केसेस तो एग्जाम में कभी भी नहीं आते और फ्रेंकली वो खुद भी थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं बिकॉज दे नीड टू नो आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच वो देखने के लिए वहाँ बैठे हुए बिकॉज ये ज़्यादातर थ्योरी हो जाती है ना फिर तो. लेकिन यस एम आर के एच तक ज़रूर आता है, इम्परफेक्ट हार्मोन वजाइनल सेप्टम ज़रूर आता है, एक ना एक केस बैठा होता है. तो डायग्नोसिस आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे बहुत डिपेंड करता है प्राइमरी मेनोरिया के. इन्वेस्टिगेशन में इतना बेसिक अगर केस है डोंट गो फॉर detailed investigations that will include karyotype. It's not easy to get a karyotyping done in our country. A poor person ke liye karyotyping, estrogen levels, yes, FSH, LH, even, theek hai, imperfect hymen hai, amenorrhea, aap beshak FSH, LH, zarur kara lo, but don't go for karyotyping. Aap keh sakte hain, my further investigations will depend on my ultrasound report. And definitely you are seeing a bluish bulging membrane, you go for UN management accordingly. तो बात तो वही थी फिर. हाँ एम आर के एच वाला है तो उसके अंदर यू विल नीड फ्यू मोर थिंग्स एज वेल, जिसके अंदर आपको ये आ जाता है क्या कहते हैं एम आर आई स्पेसिफिकली आ जाता है एंड देन लेटर ऑन आप उसमें कैरियोटाइपिंग भी करा लो. हर पेशेंट में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल जरूर करा लो, ईस्ट्रोजन लेवल तो जरूर करा लो एफएसएच एलएच अदर देन ऑफ कोर्स इम्परफेक्ट हार्मोन एंड वजाइनल सेप्टम. उसकी वजह ये कि फिर आपको रूल आउट करना है ना स्पेशली कैरियोटाइपिंग के हिसाब से कि इज इट रियली फीमेल और वो सारा. और इसमें ये भी सवाल आ जाता है कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं तो फिर क्या कैरियोटाइपिंग और वो और ईस्ट्रोजन लेवल्स कराने या नहीं कराने, फिर भी करा लो इवन अगर उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वेल डेवलप्ड है. उसकी वजह यह है कि इट कैन इवन बी द एक्स वाई फीमेल यूरो वॉन्ट सब में क्या है तो वो भी हो सकता है. अच्छा डॉक्टर रुबा, मतलब अगर इम्परफोरेट हाइमेन मिल जाए और ऊपर से मैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर मिल जाए तो एफएसए चले तो चलो हम लोग करा लें, लेकिन थायराइड और प्रोलैक्टिन तो ना कराए ना, उसका क्या फायदा? नहीं उसमें इतना लंबा चौड़ा कहीं जाने. देखो थायराइड की तो अब बड़ी गई नई स्टडीज भी आ गई. थायराइड एक बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल इशू रही है, कई दफा कहते हैं सिम्प्टोमेटिक में इनफर्टिलिटी में आ जाता है कई, वी ऑल्सो सी इट. हम अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं इनफर्टिलिटी का पेशेंट आई जा रहा है, आपने थायराइड कराया तो पता चला वो तो हाइपोथायराइड थी या हाइपरथायराइड. लेकिन फिर भी अब जो लेटेस्ट ट्रेंड जा रहा है वो ये कहते हैं कि गाइनी में थायराइड का टेस्ट तब कराओ जब पेशेंट को थायराइड के सिम्टम्स हो, यानी कि उसको हाइपर या हाइपोथायराइड वाले सिम्टम्स हो. इनफर्टिलिटी के अंदर भी थायराइड तब कराओ जब थायराइड के सिम्टम्स हो, वरना ना कराओ. मतलब आजकल अब लेटेस्ट ये ट्रेंड है फॉर द थायराइड फंक्शन टेस्ट के तब आप इवन इन इनफर्टिलिटी ऑल्सो डो वो अब जो गाइडलाइंस वगैरह नाइस की भी है वो सारी कि थायराइड का तब कराओ अगर उसको थायराइड सिम्टम्स है. एमेनोरिया में भी अगर पेशेंट इज प्रेजेंटिंग एक्चुअली विद विद हाइपरथायरॉयड सिम्टम्स और वो तो फिर करा लो. लेकिन इवन देन थायरॉयड फंक्शन टेस्ट कराना करा भी लोगे तो ये फेल होने वाली बात नहीं है बिकॉज यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई. आप कह सकते हो कि प्यूबर्टी की एज में जाके इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है थायरॉयड भी, तो
लेकिन बट इफ यू आर सीइंग अ बल्जिंग मेम्ब्रेन यू डोंट नीड टू गो फॉर, हम असल में जब ओपीडी में बैठे तो हम प्रारूप कहां ये फिर इसमें हम देखते हैं। एफएसएच की क्या जस्टिफिकेशन देंगे इम्परफोरेट हेमन में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक एक बेसलाइन लेवल के लिए, बिकॉज शी इज ए मेनोरिक। अब यही बात है कि यू कैन आइदर जस्टिफाई और यू मे नॉट जस्टिफाई। जस्टिफाई आप करोगे तो उसकी ये जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि फॉर बेसलाइन लेवल, बिकॉज शी इज हैविंग ए मेनोरिया एंड शी इज प्रेजेंटेड हियर, इट्स बेटर टू गेट द बेसलाइन लेवल्स डन ऑल्दो देयर इज बल्जिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट एंड माय डायग्नोसिस इज प्रोबब्ली गोइंग टुवर्ड्स द इम्परफेक्ट हेमन, जो मैं यूए पे बना ही लूंगी। और बिकॉज ए मेनोरिक है उसके अंदर एक बेसलाइन आपके पास आ जाए तो अच्छा, अगर आप नहीं भी कराओगे तो भी आप कह सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू गेट इट डन। डॉक्टर अरुबा, भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी अगर पेशेंट है और साइकल्स रेगुलर, तो उसमें भी हम ये कराओ, नहीं लेवल्स करवाएंगे ना? नहीं उसमें आप कराओ, इवन इवन उसके साइकल्स रेगुलर हैं, बिकॉज़ 90% रेगुलर साइकल्स मीन ओवुलेशन एंड गुड एफएसएच एलएच लेवल्स, बट 10% में नॉर्मल एफएसएच एलएच के बावजूद भी आपकी एनोवुलेशन भी हो रही होती है। और सेकेंडली ये कि इट्स ऑलवेज बेटर एक बेसलाइन एफएसएच एलएच इवन प्रोलैक्टिन भी करा लेना सब फर्टिलिटी के पेशेंट में, ठीक है। और डॉक्टर अरुबा एक क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट जैसे हमारे पास 45 ईयर्स की है और हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो बीएसओ की हम अगर हम कर रहे हैं तो क्या जस्टिफिकेशन देंगे, और नहीं कर रहे हैं तो क्या कितनी एज जस्टिफिकेशन बताई देंगे? है आपने? 40 45 ईयर्स में, और जी क्या करें बीएसओ का? ये डॉक्टर, बड़ा मतलब अच्छा बीएच क्वेश्चन के है। लिए किसी चीज के प्लान कर रहे हाँ हैं और बीएसओ हाँ करना है तो क्या दिस इज अ वेरी गुड जस्टिफिकेशन क्वेश्चन, देंगे? दिस इज अ वेरी, ये भी सवाल है भावे का कि ओवेरियन कंजर्वेशन आर नॉट कंजर्विंग द ओवरीज ड्यूरिंग सर्जरी। ऑब्वियसली ओवरीज की अब द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ ओवरीज इवन इन मीनोपॉज, बिकॉज ओवरीज कीप ऑन वर्किंग इवन इन द मीनोपॉज एज। ये जो हॉर्मोन्स फॉर योर हार्ट प्रोटेक्शन बोन प्रोटेक्शन वो सारा कुछ जाता है, इसलिए अननेसेसरली हर पेशेंट में ओवेरियन रिमूवल इज नॉट रिकमेंडेड एनीमोर। तो किस में निकालना है किस में नहीं निकालना, इसके अंदर यही होता है तीन चीज़ों की आपने बात करनी है, आपका चाहे वो जो भी मरीज हो, इवन इफ शी इज 45 शी इज 55 शी इज 65, आपने तीन चीज़ों की बात करनी है। एक तो हिस्ट्री की, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सी ए, सी ए ओवरी, सी ए ब्रेस्ट एंड यूट्रस और कॉलम, फैमिली हिस्ट्री की। दूसरा इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग ऑफ ऑफ एनी ओवेरियन सिस्ट या लुक ऑफ द ओवरी ड्यूरिंग द सर्जरी, और बिफोर सर्जरी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। अगर पेशेंट की फैमिली कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है जो मैंने अभी बताई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अबाउट ऑल दी सी एस, या इसका भी वैसे चलो इतना हमारे कंट्री में तो इतनी जेनेटिक्स काफ़ी है, लेकिन वरना बाहर के मुल्क में तो इसकी भी बड़ी स्कोरिंग है, एक फर्स्ट डिग्री में कितने हो, दो नियर वंस का ओसी ओवरी है, ब्रेस्ट है कितनी है। बट हाउ एवर जस्ट इफ फैमिली हिस्ट्री इज क्लियर और सी ए देर देर वॉज नो अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सीन इन द ओवरीज, नंबर थ्री इंट्रा ऑपरेटिव लुक ऑफ बोथ ओवरीज इज नॉर्मल, देर इज नो नीड ऑफ रिमूविंग ओवरीज। अगर एक पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल उसकी सिस्टर मदर कजन के अंदर सी ओवरी की हिस्ट्री रह चुकी है, सी ए ब्रेस्ट एंडोमेट्रियम की, या फिर उस पेशेंट की अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में ओवेरियन सिस्ट आ गई है, या उसकी इंट्रा ऑपरेटिवली ओवरीज आर नॉट नॉर्मल लुकिंग, देन इन तीनों में से कोई एक भी चीज होगी तो यू विल गो फॉर बीएसओ। तो मैंने पेशेंट देखा था, जैसे 47 ईयर्स की पेशेंट थी और कार्डिक पेशेंट थी और उसको सर्वाइकल पॉलिप भी था, तो उन्होंने जो अपना प्लान रखा होता है ईयूए करके प्लस माइनस पॉलिपेक्टमी और प्लस माइनस सिस्टेक्टमी करेंगे। डॉक्टर, अगर 47 ईयर की पेशेंट है, सर्वाइकल पॉलिप है और एचएमबी भी है, तो हम ऐसे पेशेंट्स में बेटर है कि हम टीएच डायरेक्टली करेंगे या ईयूए करके फिर वो पॉलिपेक्टमी वगैरह का प्लान? देखो ऑब्वियसली सबसे पहले तो ये कि 47 ईयर्स की एज के अंदर आप उसका पैप्समेयर करोगे, उसमें आपको पॉलिप भी मिल गया, उसके बाद जब पैप्समेयर की रिपोर्ट आ जाएगी तो यू विल प्लान द पॉलिपेक्टमी विद द एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग, राइट? यही होगा ना। तो आप उसके बाद इवन यू कैन गो अहेड कि आप उसकी एचएमबी को रूल आउट करोगे कि ठीक हो गई है, तो आपने सैम्पलिंग एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग कर ली, हाँ वो पैथोलॉजी रूल आउट होगी, पॉलिपेक्टमी आप कर चुके हो, तो फिर आप उसको फिर तो वो ट्रीट हो गई। और इवन इफ If उसके बाद भी एच एम बी रहता है तो यू कैन गो फॉर माइरीना, वाई यू गोइंग फॉर मेजर सर्जरी? मेजर सर्जरी की तो अपनी मॉर्बिडिटी होती है ना। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम डॉक्टर अरुबा, एनोमलिस बेबी के लिए कैरियोटाइपिंग और टॉर्च करवाना होगा? एनोमलिस बेबी के लिए कैरियोटाइप, एनोमलिस बेबी का बिल्कुल, देखो जो एनोमलिस बेबी है ना उसमें जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो तीन चार चीजों पर जरूर डिपेंड करता है, उसमें एक चीज तो नो डाउट पेरेंट्स की विश,
के व्हाट डू दे वांट एक्चुअली, डू दे वांट टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी और दे वांट टर्मिनेशन, सबसे पहले तो यही, और देन द जेस्टेशनल एज. ऑब्वियसली नॉर्मलाइज बेबी की अगर आप इस लेवल पे कैरियोटाइपिंग और वो बात कर रहे हो तो वी आर टॉकिंग के 20, 22, 25 वीक्स तक ना, तो जिसमें हम टीओपी की तरफ जा रहे होते हैं. तो इसमें सबसे पहले एक जेस्टेशनल एज, पेरेंट्स की विश, और तीसरे नंबर पे कैरियोटाइपिंग, ताकि जस्ट टू सी कि वो सिंगल इनोमली है या वो मल्टीपल इनोमलीज है, एंड अगैन डिटेल्ड इनोमली स्कैन के वो सिंगल इनोमली और उसकी वायबिलिटी विद द फीटस या लेटर ऑन प्रोग्नोसिस इन लाइफ क्या है. अगर तो उसकी जेस्टेशनल एज इज एट द लेवल जो कि 20-25 वीक्स वाला नॉन वायबल फीटस वाली जेस्टेशनल एज है, नंबर वन. नंबर टू, पेरेंट्स आर विलिंग के जो डॉक्टर डिसाइड कर रहे हैं, इफ डॉक्टर इज गिविंग देम ऑप्शन फॉर टीओपी, दे आर विलिंग फॉर दैट. नंबर थ्री, कैरियोटाइपिंग, इसलिए कि अगर वो मोर देन वन एनोमली है, बहुत सारी एनोमलीज होती हैं जैसे एम्फेलोसी या गैस्ट्रोशाइसिस टाइप, जिसके अंदर अगर सिंगल एनोमली है तो प्रोग्नोसिस लेटर ऑन इज नॉट बैड. However, if they are with the multiple anomalies, yeah, if the karyotyping is not good, then you decide TOP at the very that moment. के उसी वक्त TOP decide हो सकती है. लेकिन अगर वो single anomaly है, तो you can continue the pregnancy. तो और obviously detailed anomaly scan. So ये चार चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपकी decision making depend कर रही होती है. If you don't have facility of karyotyping, you can at least offer them to the parents ke ye bhi kara le to be more sure. But agar sirf ultrasound pe multiple anomalies aa gayi hain to phir to aap direct TOP pe ja sakte ho. Lekin agar yahi gestational age uski 32 ya 35 weeks aa jati hai ya 30 weeks aa jati hai to wo ek aisa time hai ki agar aap anomalous baby ki TOP bhi decide karo to aap ek badi controversial situation mein ho jate ho. We all have faced it in our training as well, later on also practical life mein bhi aap sab इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ज़रूर लैंड करते हो जिंदगी में एक ना एक बार, के 30 वीक्स पे या 32-34 वीक्स पे आपने टीओपी एडवाइस कर दी बिकॉज ऑफ अ रियली वेरी नॉर्मलस बेबी एंड द बेबी वाज बॉर्न अलाइव. और चूंकि अब वो बच्चा अलाइव पैदा हो गया एंड उसकी जेस्टेशनल एज ऐसी थी कि वो फौरन बच्चे की वो नहीं, बच्चा की एक्सपायरी या वो सब का नहीं एक्सपीरियंस हो रहा, देन देर इज़ नो रिससिटेशन टू बी डन. और वो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम हो जाता है बिकॉज एट द सेम टाइम बेबी इज प्री टर्म, बेबी इज एनोमलस. तो वो ये सारा डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है 30 वीक्स के बाद, क्योंकि फिर आप एनोमली के साथ एक अलाइव बच्चे में प्री टर्म का एलिमेंट भी ऐड कर देते हो. और ऑब्वियसली फिर कोई भी पेरेंट्स उसको ऐसे नहीं छोड़ते, बेबी हैज़ टू बी केयर्ड फॉर इन द नर्सरी, वो सारा एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल और वो सब अलग हो जाता है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन, जेस्टेशनल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू टेक डिसीजन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन एन एनोमलस बेबी. अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो 30 वीक्स के बाद, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इवन इन एग्जाम दैट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड आई नीड टू डिस्कस विद पेरेंट्स इन डिटेल दैट इफ द बेबी इज बॉर्न अलाइव तो उसके बाद क्या क्या करना है. और तो एनोमलस बेबी में आप प्री टर्म का एलिमेंट ऐड कर देते हो, सो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है. हाउएवर एट 20-25 वीक्स डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बता दिए. अब तो कुछ कह रहे हैं कि एसओजीपी की गाइडलाइंस को फॉलो करें. क्या है गाइडलाइंस बताओ, आप बताओ ना क्या फॉलो करोगे, आपके डिपार्टमेंट में क्या फॉलो होता है. 95 है और 180 का लेवल है, 1 आवर पोस्ट प्रांडियल और 2 आवर पोस्ट प्रांडियल 140 के लेवल्स हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन है. ये ना करो, नहीं, आपके डिपार्टमेंट में क्या फॉलो होता है आपकी ट्रेनिंग में. नहीं, हमने तो ये नहीं फॉलो किए थे, हम लोगों ने तो फास्टिंग था, 140 था और 120. गुड, देखो दो तीन चीजें, जहाँ फंसो प्लीज सोचो डिपार्टमेंट में क्या होता है. जो डिपार्टमेंट में होता है वो बिल्कुल ठीक होता है. एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, ये जो सारे आप जहाँ आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो ना, वो सारी मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है. जहाँ फंसो सोचो मैंने ट्रेनिंग में क्या किया था, या सोचो कि मैं एज R4 राउंड कर रही हूँ एंड नाउ आई एम देयर टू गिव माय ऑर्डर्स. जहाँ फंसो डोंट गो बाय द बुक. एग्जाम के अंदर वाइवे में इट्स बेटर जहाँ फंसो ये सोचो कि ये मेरे डिपार्टमेंट में मरीज अगर लेटा हुआ है मेरे वार्ड में और मैं राउंड कर रही हूँ, तो मैंने क्या ऑर्डर्स इसमें करने हैं. ठीक है,
OGTT में आई वुड नॉट नेवर रिकमेंड 180 वन आर पोस्ट प्रैंडियल, दैट्स इज टू हाई इन प्रेगनेंसी, वेरी हाई, हाउ कैन यू डू दैट? आप प्लीज ऐसे ना करो, आप OGTT के लेवल्स वही फॉलो करो जो आपके डिपार्टमेंट में, बिकॉज OGTT इज अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट स्पेशली इन एशियन वेमेन. एशियन वेमेन में एवरी लेडी इज हैविंग एक्चुअली डायबिटीज है हर एक में, तो और प्रेगनेंसी के अंदर बिकॉज वी ऑल हैव PCO, हम सब में के अंदर एक टेंडेंसी है एशिया के अंदर फीमेल्स में फॉर PCO, एंड इफ समबडी इज हैविंग टेंडेंसी फॉर PCO वो ज़्यादा प्रोन है फॉर डायबिटीज. इट्स नॉट ओनली जस्ट फैमिली हिस्ट्री, इट्स अदरवाइज एज वेल. तो 180 इज वेरी हाई, एंड वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज के बेबी के ऊपर किस किस्म के इफेक्ट आते हैं. तो आपने इसका 140 120 वाली ही लेवल फॉलो करने, 1 or 2 hour पोस्ट प्रेंडियल फास्टिंग, लेस देन 100 और इवन 95. बट इफ आज आप लोगों का आगे केस भी है डॉक्टर यूसुफ के साथ GDM का, इफ अ पेशेंट इज हैविंग पॉलीहाइड्रोएनीमियास और मैक्रोसोमिया, देन योर लेवल्स इवन गो डाउन. जो मैं 140 वन आवर पोस्ट प्रेंडियल कह रही हूँ वो 120 या 110 पे आ जाएगा, बिकॉज द पेशेंट इज ऑलरेडी देयर विद द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी विच इज पॉलीहाइड्रोएनीमियास और मैक्रोसोमिया. फॉर एग्जाम्पल शी इज एट 30 weeks और 32 weeks एंड पेशेंट इज हैविंग मैक्रोसोमिया एंड शी इज हैविंग डायबिटीज, तो उसके अंदर 1 hour पोस्ट प्रेंडियल डोंट टेक इट लेस देन 140, टेक इट एज लेस देन 120, फिर उसका मैक्रोसोमिया ठीक होगा. और आप उसको बिकॉज डायबिटीज में यू हैव टू टेक बेबी टिल टर्म, अदरवाइज उसका रिव्यू ना हो कि उसके अंदर रेस्पिरेटरी क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं. सो वो तभी जाएगा ना जब उसका बेबी का ग्रोथ हम उसको किसी तरह उसके वेट को कंट्रोल में लाएंगे, तो वो तब होगा जब मदर की ग्लूकोज 1 hour पोस्ट प्रेंडियल. इन दैट केस वी विल नॉट कीप इट एज 140, वी विल कीप इट इवन बिलो 120. थैंक यू सो मच डॉक्टर, दैट्स अ बड़े अच्छे क्वेश्चन, यू वेलकम फातिमा, बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो मैं मेरा ख्याल है कि करके वो भी आंसर करती हूँ. डॉक्टर महवेश ने पूछा हुआ है कि इफ प्रोलैप्स इज नॉट विजिबल देन हाउ वुड वी प्रोसीड. यस, दिस इज आल्सो वन सिनेरियो जो एग्जाम के अंदर सब फेस करते हैं. देखो कई दफ़ा होता है पेशेंट वार्ड से आया होता है, उसके अंदर पैकिंग हो रही होती है ना, वजाइनल पैकिंग बिकॉज ऑफ प्रोलैप्स, और जब एग्जाम के अंदर वो आती है अनफॉर्चुनेटली वो पैकिंग की वजह से इतना सपोर्ट हो चुका होता है यूट्रस का कि वो प्रोलैप्स बाहर ही नहीं आता. उसमें परेशान होने की बात नहीं है, 2-3 ऑप्शन. प्लीज़ डोंट गो फॉर सच थिंग्स, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स बड़ी बड़ी कोशिशें कर, हमारे ज़माने में ज़्यादा ही होता था क्योंकि ज़रा ज़्यादा पुराने ख्याल वाले एग्जामिनर्स होते थे और वो कहते थे कि प्लैब बाहर ना आया तो फेल हो जाओगे, पता नहीं ज़िंदगी को क्या बन जाओगे. तो उसमें तो ऐसी अजीब अजीब हरकतें भी करते थे कि वी यूज़ टू यू नो मेक पेशेंट कफ लाइक एनी थिंग, कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़े और प्लैब बाहर आए, या फिर यू नो वी यूज्ड टू मेक पेशेंट सिट इन अ स्क्वर्टिंग पोजीशन के जी प्रोलैप्स आ जाए सही, वरना तो एक्चुअली होता था कि एग्जामिन ना किया तो पता नहीं हिसाब आ जाएगा क्या आ जाएगा. बट अब बहुत सारे अब मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनर्स अब चूंकि पूरी नई लॉट आ जाती है वो सारा, तो ऐसा ट्रेंड बदल चुका है. अगर प्रोलैप्स नहीं भी आ रहा, एवरी वन नोज कि इट्स बिकॉज ऑफ पैकिंग, प्रोलैप्स नहीं आ रहा तो कोई इसमें हाथ पांव फुला लेने वाली बात नहीं होती. आप आराम से एग्जामिन करो, यू डू द नॉर्मल, इफ प्रोलैप्स इज नॉट कमिंग आउट डू नॉर्मल स्पेकुलम एग्जामिनेशन विद योर कस्कोस एंड डू द पैप स्मियर एंड ऑल. बट रिमेंबर इट्स ऑलवेज बेटर कि प्रोलैप्स बाहर आ जाए. इसकी एक टिप और भी है, उसकी ये टिप है कि यू स्टार्ट विद द लेफ्ट लैटरल और द मॉडिफाइड सिम्स पोजिशन ऑफ द पेशेंट. आप पोस्टीरियर वॉल पे सिम्स स्पेकुलम डालते हो और टेनेकुलम पड़ा होता है, टेनेकुलम से आप उसके इंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को पकड़ के थोड़ा सा पुल आउट कर लेते हो तो वो बाहर आ जाता है. लेकिन इस पूरे के दौरान बहुत अच्छी रेपो बनानी पड़ती है पेशेंट के साथ, और आप उसको बताते हो कि आपको बिल्कुल एक चुटकी जैसी पेन होगी, पिंच जैसा फील होगा, और वो प्लैप्स आपको बाहर आ जाता है, एंड देन यू स्टार्ट ऑफ विद योर एग्जामिनेशन. बिकॉज इसमें भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है कि नहीं आ रहा, लेकिन इट्स बेटर कि आप ये वाला स्टेप कर लो. और एवरी एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स इट, डोंट वरी, कोई बात ही थोड़ी सी पिंच वाली करके, तो बिकॉज एक प्लैप बाहर आएगा ही तो आप उसे अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो ना. एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द होल एग्जाम, कि आपने एग्जामिन करोगे मरीज को ही तो आपको डायग्नोसिस का पता चलेगा ना, तो ही पता चलेगा कि इसकी सिस्टोसील वेक्टोसील है, तो ही पता चलेगा कि कौन सा डिग्री प्रोलैप्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो और फ्रेंकली प्रोलैप्स में एग्जामिनेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इट्स बेटर टू स्टार्ट ऑफ विद द लेफ्ट लैटरल पोजीशन ऑफ द पेशेंट. यू डू इफ द प्रोलैप्स इज नॉट कमिंग आउट डोंट वरी, डू जस्ट द इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा एंड वजाइना.
देन टेक योर सिम स्पेकुलम। आपने प्रोलैप्स के मरीज में अपनी छोटी सी ट्रे पहले ही तैयार कर लेनी है जिसके अंदर आपका सिम स्पेकुलम, स्पंजोलिक फोर्सेप्स, टेंडेकुलम मौजूद होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स योर पैप स्मेयर का सामान। तो आप अपना सिम स्पेकुलम पोस्टीरियर वॉल के अंदर डालोगे, स्पंज वो उसको टेंडेकुलम से एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स को हल्का सा पकड़ के बाहर पुल आउट कर लोगे, प्रोलैप्स आ जाएगा। अपना सिम स्पेकुलम बाहर हटा दो, टेंडेकुलम उतार दो एंड देन स्टार्ट ऑफ विद इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, डू द पैप स्मेयर। अच्छी तरह जेल लगा के प्रोलैप्स के पेशेंट में अच्छी तरह जेल लगा के आप उसके प्रोलैप्स को रिड्यूस करते हो एंड देन यू डू द डू अगेन योर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स। और फिर उसको डॉर्सल पोजीशन में करके उसकी आप सिस्टोसील देख लोगे और उसके बाद उसकी आप बाय मैनुअल कर लोगे। राइट, आई होप अब समझ में आ गया इस तरीके से करेंगे। एंड हाउ डॉक्टर, बाय मैनुअल भी अगर हमें कॉर्ड फील होती तो वो सेकंड डिग्री कहलाएगा ना यूवी प्रोलैप्स एग्जामिनेशन पे? डॉक्टर जैसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा था यूवी प्रोलैप्स, वो सेकंड डिग्री है। अगर अगर आपकी दोनों फिंगर्स यूट्रस की फंडस पे जाते हैं तो वो थर्ड डिग्री नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सेकंड डिग्री, दैट्स इट। डॉक्टर प्रोलैप्स के साथ अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो तो हमें केली सुचर डिसाइड करना है या हमें जो है ना यूरोडायनामिक्स करवाना है, ये थोड़ा सा प्लीज बता। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोलैप्स के साथ अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो आपने यूरोडायनामिक्स कब कराना है? देखो प्रोलैप्स के अंदर यूरोडायनामिक कराना है या नहीं कराना, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। If a patient is having prolapse and she's having having urinary symptoms as well, so it's better to get the urodynamics done, especially in case ki usko mixed symptoms hai. Agar usko specifically stress incontinence hai, even then it's better to go for the urodynamics in that case. Bahut sare log kehte hain ki stress incontinence ke andar urodynamics na karaye, lekin it's better ki agar any patient who is having a prolapse, it's better to get the urodynamics done. और फिर उसकी वजह यही है कि आप पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली काउंसिल कर सको कि प्रोलैप्स को की ट्रीटमेंट के बाद कितने चांसेस हैं कि उसकी इनकॉन्टिनेंस ठीक हो सकेगी या नहीं। और यस, इफ शी इज हैविंग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो आप इसके अंदर साथ ही एंटी रिपेयर के साथ ही केली सूचर लगा दो, ठीक है ना? डॉक्टर एक और क्वेश्चन है, अगर पेशेंट एग्जाम में हमें मिल रहा है रिकरेंट मिसकैरेज का अर्ली प्रेगनेंसी के साथ और एज अ गायनी पेशेंट मिल रहा है तो फिर हमें उसका पीएस और पैप स्मियर करना होगा? सॉरी क्या रिकरेंट मिस्ड अबॉर्शन? रिकरेंट मिसकैरेज का पेशेंट है, अर्ली प्रेगनेंसी है और एज अ गायनी पेशेंट हमें एग्जाम में मिल रहा है तो हमें जो है ना उसका पीएस और पैप स्मियर करना होगा? मेरी बात सुने, एक दो चीजें बड़ी क्लियर कर लो कि गायनी में आपको कौन से पेशेंट्स मिलेंगे, ऑप्स में कौन से मिलेंगे और वो उसमें ही मिलेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर प्रेग्नेंट पेशेंट गायनी में आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का साथ नहीं मिलेगा। अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का मरीज होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी या मोलर प्रेगनेंसी होगी। गाइनी ऑप्स में बहुत ज्यादा डिमार्केशन अबाउट गाइनी एंड ऑप्स। गाइनी के अंदर प्रेगनेंट पेशेंट इस तीन के अलावा नहीं होगा। इफ अ पेशेंट इज हैविंग अर्ली गुड इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी एंड अ हिस्ट्री ऑफ बैड ऑब्स्ट्रेटिकल हिस्ट्री और recurrent pregnancy loss, she will be a case of OBS examination, not a case of a gynae. Remember, OBS के अंदर आपको कोई facility नहीं होती pelvic examination की, ना आपको सिर्फ speculum वहाँ पड़ा होता है, ना वहाँ पे कोई PV करने की कोई सामान पड़ा होता है, ना कुछ और। OBS के अंदर जो setup होता है ना, OBS का exam जो होता है, उसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं कि कोई गलती से भी ना examine करे मरीज को। Even in case of preprom और लीकिंग जिसके अंदर यू नीड टू डू स्पेकुलम एग्जामिनेशन, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद सच टाइप ऑफ थिंग्स, ताकि दे डोंट वांट टू डू एनी हार्म टू द पेशेंट। वो मरीज एग्जामिनेशन में एज ए सब्जेक्ट तो बन के आया है, बट वो एक मरीज तो है ना, तो कोई गलती से भी कैंडिडेट ना उसके साथ, प्रेगनेंट पेशेंट के अंदर कुछ भी नहीं ऐसा होना चाहिए ना गलत, तो ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ पड़ी ही नहीं होती। तो इवन इन प्रीप्रॉम वेयर यू नीड टू डू एग्जामिनेशन, उसमें भी आप पीए करके उसका पैड चेक करके एग्जामिनर से कहते हो कि आई वांट टू डू स्टरलाइज स्पेकुलम एग्जामिनेशन, दैट्स इट, बट यू आर नेवर प्रोवाइडेड विद द स्पेकुलम एग्जामिनेशन इन एन ऑब्स पेशेंट। इफ अ पेशेंट इज देयर विद प्रेगनेंसी एंड शी इज हैविंग गुड इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी, बेशक उसकी अर्ली प्रेगनेंसी का केस है, 10-12 वीक्स का केस है, बट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इट गोस इन द सब्जेक्ट। ये ऑब्स की किताब का सवाल है, गायनी की किताब में प्रेग्नेंट पेशेंट या मोलर होगी या एक्टोपिक होगी या एबॉर्शन होगा, ये केस गायनी में नहीं होगा।
ठीक है ना. सो यू नीड, इट्स अ वेरी डिमार्केटेड थिंग, ये है, इसीलिए तो गायनी के नहीं डॉक्टर ये वाला इस तरह के केस पहले आ चुका है ना एग्जाम में. एबॉर्शन के साथ होगा, वो एबॉर्शन के साथ होगा, मतलब वो अर्ली प्रेगनेंसी है, वो एबॉर्शन, वो इंट्रा यूट्राइन गुड प्रेगनेंसी का केस ऑप्स में नहीं है. गुड प्रेगनेंसी का केस वो अर्ली एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन होगी जिसकी पहले रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुई है. सो शी इज अ शी विल शी मस्ट बी अ केस ऑफ अर्ली एबॉर्शन जो कि एग्जाम में इस तरह से आया. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम जी. जी मैम, मेरा क्वेश्चन इन अ सिंपल सेंस, इन प्री मेनोपॉजल वुमन इफ वी आर गोइंग फॉर अ इंटरवेंशन लाइक इट्स अ सिस्ट ऑफ ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, विल वी गो फॉर अ ट्यूमर मार्कर्स बिकॉज़ अ वेरी स्मॉल रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इन द सिंपल सेंस? नो, देखो इन सिंपल सेंस इफ इट्स 7 सेंटीमीटर बेटर नॉट टू. हाउएवर बिकॉज ट्यूमर मार्कर्स आर वेरी एक्सपेंसिव और आपको जब एक आ गया वह सिस्ट का कि सिंपल विद सिंपल का वी ऑल नो जो बी रूल्स होते हैं या बी पॉइंट्स होते हैं एम एम पॉइंट्स एम रूल्स या बी रूल्स उसमें जब बिनाइन के सारे आ गए हैं कि लेस देन 7 सेंटीमीटर इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर तो पिलोरी स्ट्रक्चर इतने सेपरेशन ये ब्लड सप्लाई ये कैप्स्यूल ऐसा रेगुलरिटी शेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. If everything is so going so simple, it's better not to. Uski wajah ye hai ki they are very very expensive. Guidelines bhi ye kehti hain. However, if you want to be more sure, then you can get tumor markers done. Aap kaho ke, but it's better not to. Lekin isme ek bahut important baat ye hai ki intraoperatively phir aap agar ja rahe ho to yes you can just go for up inspection karke kar sakte ho. लेकिन अगर वही चीज आपको आ जाती है कॉम्प्लेक्सेस्ट इवन स्मॉलर लाइक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर history as a whole is going more towards the endometriosis, you know it's endometriosis because she's having infertility, she's a case of she's young infertility or if the typical endometrioma wale symptoms etc. in that case yes you need to do you need to get all the tumor markers done. Uski wajah ye hai ki you never know, histopathology is the ultimate diagnosis even during surgery whether you are doing it laparoscopically or you're doing it through open surgery. Us case ke andar first thing will be to take the peritoneal washing even if it's endometriotic because ultimate diagnosis is going to be through histopathology. ab aur peritoneal washing ka step usi waqt karna hai agar aapne cheezein chhed chhad di to phir peritoneal washing pe aap wapas nahi aa sakte na. to peritoneal washing le loge and then you'll do inspection and cystectomy and all that. isi ne pucha frozen section, yes frozen section ka concept bahut acha hai if you have a facility and always remember because wo aapko bahut sari mushkilon se bacha leta hai exam mein. agar the cyst is you thought that the tumor markers were normal and the cyst is more of endometriotic, you don't need to go for the frozen section. lekin aapne ek patient ko khola and you thought that the because tumor markers were normal and beshak complexes thi but tumor markers were normal to aapne cyst ka khola but intraoperatively the look is very suspicious. तो आप फिर उसका फ्रोजन सेक्शन भेज सकते हो एंड देन यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली. और इवन इफ यू मिस फ्रोजन सेक्शन या फिर आप कहो कि आई डोंट हैव अ फैसिलिटी ऑफ फ्रोजन सेक्शन इन माय हॉस्पिटल तो उस केस में आप उसकी बायोप्सी या सिस्टेक्टमी कर दोगे विद मिनिमल स्पिलेज. यू कैन क्लोज द एब्डोमेन, यू विल शिफ्ट पेशेंट टू पोस्ट ऑप, आफ्टर 10 डेज यू विल गेट द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट एंड देन यू कैन डिसाइड ऑलवेज डिसाइड लेटर एज वेल. अगर उसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे मेलिग्नेंसी आ जाती है देन डेफिनेटली डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज अ क्लियरेंस सर्जरी. तो आप उसको इमीडिएटली नेक्स्ट डे दोबारा ओटी में ले जाके क्लियरेंस सर्जरी करोगे. सो दिस इज द होल थिंग, मतलब उसमें आपको परेशान नहीं होना कि मेरी पेशेंट में मैंने तो सिस्टेक्टमी कर दी और हिस्टोपैथोलॉजी सीए की आ गई है etc. etc. of course if you are thinking that the cyst is suspicious looking either you just take biopsy or you take cystectomy without spillage. और उसकी बिकॉज शी इज यंग पेशेंट उसकी अभी तो फर्टिलिटी विशेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा थी तो आप उसमें कह सकते हो कि इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डिसाइड विद अटेंडेंस बिकॉज हर किसी के लिए डिफिकल्ट है ना चाहे वो कितना बड़ा प्रोफेसर हो. वो ये इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन के अनमैरिड गर्ल में या एक पेशेंट जिसकी अभी फैमिली नहीं पूरी कम्प्लीट हुई उसके अंदर आप वो कर रहे हो उसके अंदर आप क्लियरेंस सर्जरी की बातें कर रहे हो. But as the cyst is suspicious looking later on, it can come out to be malignant as well. You cannot do clearance surgery without a histopathology report, and you don't have facility of frozen section. So, फिर कुछ तो करना है. फिर you take her back to post op. 10 दिन बाद report आएगी. उसे confirm करके then you can always proceed. मैम जैसे young patient में तो dysgerminoma वगैरह ही common होता है ना तो फिर हम उसको chemo भी डाल देंगे. जैसे
It depends on the stage as well. Now, अगर 1A1 है तो yes you have done the cystectomy or if the unilateral oophorectomy, उसको कीमो दे के देना, उसको फैमिली कंप्लीट करके फिर क्लियरेंस सर्जरी कर सकते हो. अब तो 1A1 के बाद ही कीमो को, वो कहते हैं ना कि एक दफा कीमो का पहले नहीं होता, तो पहले से 1A1 में डायरेक्ट फैमिली कंप्लीट एंड ऑल दैट हो जाता. बट अदर देन 1A1 यू नीड टू डिसाइड, बट देयर शुड बी मिनिमल स्पिलेज. मैम इन द केस ऑफ डिसजर्मिनोमा whether we will take the biopsy of the healthy ovary? No. Okay, thank you. दूसरी ओवरी पहले होता था, अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दूसरी ओवरी को नहीं छेड़ना. Okay ma'am, thank you. Welcome. मैडम फिर वन किसी का कावर डर्मोसिस में ओनली सिस्टेक्टमी इज देन यस डर्मोसिस में ओनली ऑफ कोर्स डर्मोसिस में ओवरी बचाएंगे, ओवरी थोड़ी निकालेंगे. अक्सर एग्जामिनर इस पे फंस जाते हैं, यानी हमारे साथ के ये ट्रीटमेंट आपने करनी, ये क्यों की है. हाइड्रोप्स का बड़ा ही अच्छा लेक्चर होता है डॉक्टर आशीष का, हमारे एक दो लेक्चर्स है यूट्यूब पे. He is actually famous for this topic. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. लेकिन ये कि हाइड्रोक्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना, वही बात अगेन, एक वही टिप बार बार कहती हूँ कि ऑलवेज कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली इन एग्जाम. इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्स की जो कॉज है वो ज़ाहरी बात है कि नॉन इम्यून, तो आई डोंट रियली थिंक एग्जाम में आएगा, इम्यून ही आता है. और उसके अंदर वही नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मसला होता है. तो फीमेल का ब्लड ग्रुप कराया, मेल का कराया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है उसके बाद आप उसके इंडायरेक्ट वूंड्स टेस्ट कराते हो, उसके एंटीबॉडीज मॉनिटर करते हो, अगर नेगेटिव है तो वेरी गुड, अगर पॉजिटिव है तो उसके 2 वीकली मॉनिटर करते हो कि बॉडी अंदर नॉर्मली स्कैन है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्कैन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा कुछ हो जाता है. अगर हाइड्रोप्स आ जाता है आपके 20 वीक्स, इट डिपेंड्स अगेन. देखो फ्रेंकली हाइड्रोप्स ऐसे ही है जैसे नॉर्मलिस बेबी की मैनेजमेंट है. हाउएवर बिकॉज इट्स डिपेंडिंग ऑन द जेस्टेशनल एज, अगर तो अर्ली हाइड्रोप्स डेवलप हो गया तो वो तो फिर बढ़ेगा, यू कैन इवन डिसाइड टर्मिनेशन एट दैट टाइम. बट अगर आपका लेट हाइड्रोप्स है आफ्टर 28 वीक्स, देन यू कैन गो अहेड विद मॉनिटरिंग, यू कैन डिसाइड फॉर द इंट्रा यूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजंस एज वेल एंड द पोस्टनेटल थेरेपीज. तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशनल एज एंड ऑफ कोर्स द कॉज ऑफ हाइड्रोप्स, और फिर आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं. डॉक्टर अरुबा, जैसे एक पेशेंट है 28 वीक्स पर है और सीवियर पॉलीहाइड्रोमियोस डेवलप हो रहा है, पर पेशेंट खुद जो है ना सिम्टोमेटिक नहीं है, तो उसमें क्या हम एमनियो रिडक्शन तो उसमें प्लान नहीं करेंगे ना, अनलेस के पेशेंट जब सिम्टोमेटिक हो. अगर डॉक्टर ये पेशेंट वही सिम्टोमेटिक होते तो हम एमनियो रिडक्शन के एमनियोसेंटेसिस के वीकली वीकली करते हम इसमें वो. देखो अगर एमनियो रिडक्शन की बात होती है एग्जाम, एमनियो रिडक्शन इज नॉट अ गुड मैनेजमेंट एक्चुअली. उसमें आप ये कहोगे कि लाइकर इज रिप्लेस्ड सो रैपिडली, तो इतना तेजी से बनता है, मे बी विद इन लेस देन 3 आवर्स और सो. एमनियो रिडक्शन इज एन इंटरवेंशन विच इज बीइंग डन. पेशेंट के सिम्टोमेटिक होने का गायनी और ऑप्स में एक लेवल है कि मतलब आपने डिसाइड करना है कि क्या वो वाकई सिम्टोमेटिक है भी कि नहीं. यू नो एवरी पेशेंट इज गोइंग टू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हर एक को तो फटीग हो जाती है. That does not really mean कि वो पॉली की वजह से हो रहा है या वो नहीं है कि. उसमें यही कहते हैं जैसे मैंने अपने पिछले बहुत सारे यूट्यूब पे भी लेक्चर्स हैं, उसमें यही होता है कि अनिमिया है और उसे शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, तो उससे पहले तो ये पूछो कि आजकल आपके घर का खाना कौन बना रहा है, आपके घर का काम कौन कर रहा है. जो 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 आपके पास वहाँ पेशेंट बैठी हुई है, अगर वो कहती है कि मैं तो उठ के किचन में खाना भी नहीं बना रही बिकॉज किसी और को आना पड़ता है, कुछ और हो रहा है घर में, विच मीन्स दैट वुड मीन चीज रियली सिम्टोमेटिक. ठीक है ना, उसकी वो वाकई उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अब अफेक्ट हो गई. सो पॉलीहाइड्रोमियोस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके पॉस्चर में, सबसे पहले तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को कैटेगराइज करना कि शी रियली सिम्टोमेटिक और नॉट, नंबर वन. नंबर टू इज दैट कि इफ शी इज सिम्टोमेटिक तो आप एमनियो रिडक्शन से पहले एग्जामिनर को भी यही कहोगे कि दिस एमनियोटिक फ्लूइड इज गोइंग टू बी रिप्लेस सो रैपिडली कि अगर मैं करूँगी भी तो ये दोबारा बन जाएगी.
आई विल काउंसिल माई पेशेंट कि या तो सिम्टोमेटिकली अपना रिलीफ ले ले, या फिर यह है कि इफ़ आई एम गोइंग टू डू द सेमी रिडक्शन ये दोबारा बन जाएगा. सो बार बार करना इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट्स एन इंटरवेंशन, इट कैन लीड टू इवन कोरियो और पीटर्म लेबर. सो अगैन इट डिपेंड्स ऑन द जेस्टेशन एज. इससे बेहतर यह है कि पॉलीहाइड्रेमिया उसकी कॉज को पकड़ो. इफ इट इज डायबिटीज और एनीथिंग एल्स तो फिर कॉज की तरफ जाओ. डॉक्टर, अगर पॉलीहाइड्रोमियोस डेवलप हो गया तो 37 वीक्स पर ही अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है तो, मतलब सिवाय पॉलीहाइड्रोमियोस के और पेशेंट से सिम्टोमेटिक भी नहीं है, तो 37 वीक्स पर ही हम टर्मिनेट करेंगे ना? इट डिपेंड्स, इफ इट्स माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियोस या इवन मॉडरेट यू कैन टेक टिल 38 वीक्स आल्सो विद मॉनिटरिंग. बट इफ इट इज सिवियर इट्स बेटर टू गो एट 37 वीक्स क्योंकि वो एक अनस्टेबल लय के साथ एकदम से लेबर और प्रेसिपिटेट के साथ प्रेजेंट कर सकती है. ठीक है ना? तो 38 तक इसलिए क्योंकि वही बात है कि प्री टर्म का एलिमेंट क्यों ऐड करना है, यानी 37 कंप्लीटेड वीक्स कह रही हूँ. इसकी एक छोटी सी टिप दे देती हूँ एग्जाम के अंदर. हर पेशेंट जो किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर रही है, यानी डायबिटीज़ अगर है, डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशन है तो 38 वीक्स, डायबिटीज़ विदाउट कॉम्प्लिकेशन है तो एटलीस्ट बियॉन्ड 39 वीक्स. कार्डियक पेशेंट विद कॉम्प्लिकेशन एंड अ मदर है तो इट्स बेटर नॉट टू गो बियॉन्ड 38 वीक्स, अदरवाइज यू कैन गो टिल 39 वीक्स. It also depends कि with medicine है without medicine है. Of course without medicine ही 39 weeks onwards, with medicine इसीलिए है ना क्योंकि कुछ मसला था तो with medicine है. इसी तरह polyhydramnios है, बेशक it is idiopathic, even then अगर वो कोई symptom नहीं cause कर रहा, it's mild or moderate, you can take her till 38 weeks. Preterm का बहुत मुश्किल मसला है, not everywhere in the world preterm delivery कुछ भी कर सकती है. ठीक है ना? नर्सरी का मोड ऑफ डिलीवरी का भी इसमें थोड़ा बता दें. और डॉक्टर, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करना है इसमें, एआरएम? नहीं, लेट ही करना है. देखो ना, एआरएम करके प्रोलैप्स ही हो जाएगा ना, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगा और हेड विल नॉट बी फिक्स्ड, तो वो आप उसका लेट इवन कई दफा स्टेज 2 में जाकर उसको अगर आपके लिए हो तो इवन 7-8 सेंटीमीटर में यू शिफ्ट पेशेंट टू द डिलीवरी रूम एंड देन यू डू द अदरवाइज आप उसकी स्पॉन्टेनियस प्रोग्रेस ऑफ लेबर पे जाते हो. और क्या पूछा था अभी किसी ने, डॉक्टर रेखा ने कुछ पूछा था, डॉक्टर मोड ऑफ डिलीवरी का बता दें कि इनपेशेंट सेक्शन और वो वजाइनल सेक्शन क्यों. देखो ना, माइल्ड और मॉडरेट के अंदर इफ देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू नॉर्मल डिलीवरी तो आप उसको नॉर्मल की तरफ लेके जा सकते हो. हाउएवर सिवियर के अंदर दोनों ऑप्शंस ओपन है, यू कैन गो फॉर द सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी. सिजेरियन इस वजह से क्योंकि अगर सिवियर पॉलीहाइड्रामियोस है तो ड्यूरिंग लेबर कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, प्रेसिपिटेट लेबर हो सकता है, पीपीएच ज़्यादा होने का चांस हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारा कुछ. और लेकिन अगेन अगर आप विद ऑल द लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन रख के उसको डिलीवर करने का देख रहे हो तो कर सकते हो. बट मैं आप ये देखो कि मैंने माइल्ड और मॉडरेट में पहले नॉर्मल डिलीवरी बोली है और फिर अगर हो तो सिजेरियन, लेकिन सिवेयर के अंदर मैंने पहले सिजेरियन सेक्शन बोला और फिर नॉर्मल. और एक और क्वेश्चन है मैडम कि अगर पेशेंट का प्रोलैप्स बाहर नहीं आता, वी हैव टू टेक द पैप स्मियर, वी कैन डू कस्कोस फॉर इट? यस ऑफ कोर्स. डॉक्टर बीना सुहेल, डॉक्टर आयशा मलिक, इन सब ने बहुत ट्रेंड्स बदले. एक्चुअली पहले भी ठीक था, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट एक पहले और स्टाइल था ना. अब ये बड़े ब्रॉड माइंडेड एग्जामिनर्स हैं. डज नॉट मीन के सिम्स नहीं डाला तो पता नहीं अजाब आ गया. यस, इफ सर्विक्स इज नॉट कमिंग आउट यू कैन यूज कस्कोस. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इन आवर क्लिनिक्स एज वेल. आपने वो करना है तो आपने प्रैक्टिकली करना है, कोई बोलता नहीं जाता. ऑब्वियसली एक स्मूथ स्मूथ हर चीज चले वो ठीक है, लेकिन अगर अदर तो नॉर्मल आ रहा है, हाथ पाँव फैलाने की जरूरत नहीं. कई दफ़ा होता है अगर आपने छोटे साइज का स्पेकुलम डाल लिए, अव्वल तो ठीक स्पेकुलम डालना है, ये नहीं पेशेंट को नहीं हमने करना कि एक स्पेकुलम डाले नहीं, नहीं ये तो छोटा हो गया सर्विक्स में नहीं आ रहा, बड़ा डालूंगी, बड़ा डालूंगी तो सर्विक्स एटसेट्रा एटसेट्रा डालना एक ही. लेकिन अगर गलती से, देखो वो आप एक एग्जाम सिनेरियो में, सारी दुनिया देख रही है आप एग्जाम सिनेरियो में, अगर आपने गलती से एक छोटा डाल ही लिया स्पेकुलम
तो और सर्विक्स अगर नहीं आया तो कैंडिडेट्स के वहाँ हाथ पांव फूल जाते हैं, चीज़ें गिरना शुरू हो जाती हैं हाथों से। आराम से अपना छोटा स्पेकुलम साइड पे रखो, बड़ा वाला लो, बड़ा डाल लो, इंस्टेड क्या आप उसमें पर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इन आर ओपीडीज एज वेल, ठीक है। तो वो नहीं आपने वो परेशान होना, ओके, थैंक यू सो मच ठीक मैम। है। वेलकम। और कुछ डॉक्टर, कोविड टेन पीसीआर मिनट्स रह पॉजिटिव गए पता है हमारे। तो क्या प्रोटोकॉल है? कोविड किसका? पीसीआर पॉजिटिव किसका? कोविड का, ठीक है। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में कोविड 19 के लिए गाइडलाइंस क्या हम फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग बात, नोबडी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। आरसीजी की गाइडलाइंस नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की उन गाइडलाइंस है नहीं। आपको इन्वेस्टिगेशन पता होनी चाहिए कोविड में, वो सारी आप कराओगे। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द डी-डाइमर्स स्पेसिफिकली, बिकॉज प्रेगनेंसी में वैसे ही कोएगुलेशन का इतना ज़्यादा रिस्क हो जाता है। सो इंटरेस्टिंगली ओवरऑल प्रेगनेंसी आउटकम एंड वो सारा बहुत अच्छा रहा है कोविड में। कोई स्पेसिफिक स्टडीज है नहीं, हाउएवर आईयूजीआर सडन आईयूडीज आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन कोविड। सो कंसिडरिंग दैट येस यू विल गेट ऑल द स्पेसिफिक लैब्स फॉर कोविड जो के हैं, जिसमें वी ऑल नो के डी डाइमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बाकी तो फिजिशियन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो एफ टी पीज एंड डी डाइमर्स आप लेके फॉलो करोगे। स्टार्ट ऑफ हर विद द एंटी कोएगुलेंट, आप उसे क्लेक्सन भी स्टार्ट कर सकते हो फॉर 5 to 10 days और 2 weeks ओनली। डोंट टेक हर टिल टर्म विद द एंटी कोएगुलेंट, इसमें आप टर्म तक नहीं लेके जाते हो। 2 weeks भी मैक्सिमम काफ़ी है, इवन कुछ जगहों पर सिर्फ 1 week या 10 days तक क्लेक्सन है विद लोपरेन, एक्सेप्ट कि उसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है यूजेस की। एंड देन लेटर ऑन शी विल बी विजिटिंग टू यू यू विजिट शी विल बी विजिटिंग यू इन योर क्लिनिक। यू जस्ट डू योर हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फॉर पंडल हाइट। इफ यू थिंक दैट द बेबी इज डिवेलपिंग आई यू जी आर, देन यू नीड टू गेट द डॉपलर्स डन, अदरवाइज यू डोंट इवन, इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट एवरी कोविड पेशेंट आफ्टर कोविड और वट एवर इज गोइंग टू गेट द डॉपलर डन। तो आप उसकी एग्जामिनेशन अभी फिलहाल तक तो यही है, हर एक में डॉपलर अभी तक रिकमेंडेशन नहीं आएगी कि आप कराओगे जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप उसका फंडल हाइट और वो करके फिर आगे डिसाइड करोगे। डी डाइमर भी तो रिलायबल नहीं होता प्रेगनेंसी में, फिर कहते हैं। यू आर वेरी राइट, वेरी राइट। लेकिन अगेन इफ शी इज हैविंग कोविड एंड हाई डी डाइमर्स, बेटर टू गिव हर क्लेक्सन, या नॉट फिर जो ओनली है बिकॉज़ हर डी डाइमर्स आर प्रोफाइलर हाई। करें, उनसे स्टार्ट कर यस देंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नॉट ओनली बिकॉज़ हर डी डाइमर्स आर हाई, बिकॉज़ शी इज प्रेग्नेंट एंड इज हैविंग कोविड। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर रुबा चलो सलाम अलैकुम। 5 मिनट्स रह गए। हाँ जी डॉक्टर रुबा, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में कोई कट ऑफ है कि जिसमें हमें सर्जरी करनी है, जिसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट को लेके जा सकते हैं? दो गाइडलाइंस हैं एंडोमेट्रियोटिक एंडोमेट्रियोसिस की, एशरे की हैं और नाइस की। ये दोनों इंटरेस्टिंगली बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट बात करते हैं। एशरे वाले कहते हैं कि इनफर्टिलिटी वाले के अंदर लेस देन 3 और लेस देन 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 और मोर देन 3 सेंटीमीटर में आप सर्जरी करो, उससे कम में ना करो। जो नाइस गाइडलाइन वाले कहते हैं, वो कहते हैं एवरी पेशेंट हु इज हेयर विद द फर्टिलिटी प्रॉब्लम एंड एंडोमेट्रियोसिस शुड गेट द सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस डन एंड देन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। डॉक्टर फर्टिलिटी का अगर इशू नहीं है, पेशेंट पहला 3+1 है हमारे पास, पहले इस बात को पूरा होने दो। वी हैव टू फॉलो, हमने एग्जाम में नाइस की बात माननी है, बेशक ऐश्वर्य की ना मानो, नाइस की माननी है और हमने सर्जरी करनी है फर्टिलिटी वाले मरीज में। अब इफ पेशेंट इज नॉट हेयर फॉर फर्टिलिटी, बोथ नाइस एंड एशरे रिकमेंड नंबर वन मेडिकल मैनेजमेंट इन सच पेशेंट। देर इज नो कट ऑफ फॉर द साइज ऑफ द सिस्ट, कहीं साइज का मेंशन नहीं है कि इतने से वो हो। वो कहते हैं कि इफ पेशेंट इज ओनली फॉर पेन एंड नॉट फर्टिलिटी, देन यू कैन गो फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट। उसकी सिस्ट खत्म हो, ये नहीं कह सकते। हार्मोनल थेरेपी, देर इज नो वन स्पेसिफिक, कोई किसी एक हार्मोनल थेरेपी इज नॉट द फर्स्ट लाइन, यू नो। ये नहीं कहते कि जी ये वो है, क्या उसे कहते हैं, ये प्रायोरिटी है। ऑल द मेडिसिन लाइक कंटिन्यूस को ओसीपीज या कंटिन्यूस प्रोजेस्टोजन, ये सारे जो हैं हैव गॉट द सेम इफेक्टिविटी। उनके कॉस्ट वैल्यू डिफरेंट होती है विद द डिफरेंट साइड इफेक्ट प्रोफाइल।
लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस मोर लेस सेम ही है। तो आप कंटिन्यूस वो देते हो प्रोजेस्टेरॉन या कंटिन्यूस ओसीपीज, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह रूल आउट करके 3 मंथ्स के बाद ही उस तरह फॉलो कर लेते हैं उसको। एट टाइम्स विद द कंटिन्यूस मेडिकल मैनेजमेंट इवन सिस्ट साइज कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। However, many a times patient wants a surgery because obviously if there is like more than 7-8 centimeters, many patients would but guideline में कहीं specific size नहीं mentioned कि इस पे आपने surgery कर देनी है। I have also seen 8 centimeters is going away with the medical management only, very frankly in an unmarried girl. So आप इसलिए शायद guideline में कोई specific size नहीं mentioned, तो आप उसमें फिर दे सकते हो medical management। Okay, thank you, doctor. You're welcome. जी डॉक्टर रेखा कुछ कह रही थी। डॉक्टर जैसे एक पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट के साथ है और हमने उसकी सर्जरी कर ली, लेप्रोस्कोपी कर ली और पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ है, फिर डॉक्टर उसके बाद हमने उसकी जो एआरटी स्टार्ट करनी है वो लेप्रोस्कोपी के कितने टाइम पीरियड के बाद स्टार्ट करनी है, या उसके बाद हमने उसके बाद ओसीपीस पे तो नहीं रखना है ना? ये नहीं रखना, हर तरह की गाइडलाइन बिल्कुल रिफ्यूज करती है पोस्ट सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी। जो सर्जरी से पहले वाली होती है वो एडजुवेंट थेरेपी होती है, जो सर्जरी के बाद वाली होती है वो प्रिवेंटिव होती है। हर तरह की गाइडलाइन मना करती है फर्टिलिटी वाले पेशेंट में एंडोमेट्रोसिस की सर्जरी में पोस्ट सर्जरी मेडिकल ट्रीटमेंट को नंबर वन। उसकी वजह यह है कि पेशेंट के मैक्सिमम मोर देन 60% चांस होता है टू कंसीव इन 1 ईयर पोस्ट सर्जरी इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रोसिस। आपने उसे फॉरन लेके जाना होता है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। गाइडलाइन कहती है विद इन 6 मंथ्स उसका IUI अटेम्प्ट हो जाना चाहिए इफ वो ट्यूबल पेटेंसी इज गुड। तो 2 मंथ्स के बाद आप उसे इमीडिएटली ले जाओगे फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। आइदर यू आर गोइंग टू गिव हर, बेटर नॉट टू गिव हर ओवुलेशन इंडक्शन, उस पर टाइम ना वेस्ट करो। उसकी वजह यह है कि उसमें सिस्ट दोबारा ना बन जाए, यदि करना हो जाए उसमें फिर आप उसका IUI या फर्दर ART। And if tubes were blocked and hydrosalpinx were there, was there, then after 2 months, आप उसको ART की तरफ ले जाते हैं। डॉक्टर रूपा वो वाली बात भी बता दें जो आप कह रही हैं कि नाइस गाइडलाइंस की अलग है एंडोमेट्रोसिस की, जो कह रही है कि अगर सिस्ट ना भी हो तभी भी आप एडिनोलिसिस कर। बिल्कुल वो नाइस वाले कहते हैं कि एवरी पेशेंट हु इज हियर विद एंडोमेट्रोसिस एंड सबफर्टिलिटी शुड गेट द सर्जरी डन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के केस में, दे शुड गेट द सर्जरी डन एंडोमेट्रोसिस का। आप सारा रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियोसिस करो तो इट इंक्रीजेस अ प्रेगनेंसी रेट इन सच पेशेंट। ऐश्वर्य वाले कहते हैं कि आप अगर इस 3 सेंटीमीटर से कम सिस्ट है तो आप उसको डायरेक्ट ART या डायरेक्ट उसको उसकी तरफ लेके जा सकते हो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तरफ, बट 3 or more than 3 पे इट्स बेटर टू गेट द रिमूवल ऑफ सिस्ट एंड ऑल डन। डोंट टॉक अबाउट ऐश्वर्य, आप ना इसको फॉलो करो। हम यही करते हैं फर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में, नहीं? जी जी ठीक है। और बता डॉक्टर, वो ECG और चेस्ट एक्सरे का डॉक्टर बता दें कि सॉरी चेस्ट एक्सरे और वो वाली चीजें हमने 40 इयर्स पे कितनी इयर्स पे डॉक्टर चेस्ट एक्सरे मांगना है? देखो ये कोई ऐसा बात है नहीं, ये तो एनेस्थीसिया वालों का मसला ना, अभी मांगो तो ठीक है, ये आपके अपने बनाए गए रूल्स हैं। इफ यू थिंक दैट चेस्ट एक्सरे ECG कहते हैं कि 50 साल के बाद से मांग लो हर एक ने चेस्ट एक्सरे, आप 40 इयर्स में सिर्फ चेस्ट एक्सरे नॉट ECG, 50 के बाद चेस्ट एक्सरे ECG बोर्ड, तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। मतलब ऐसे ना भी होती है किसी भी लाइकल आपकी डॉक्टर किसमें कराना है, हर उस मरीज में जिसमें आपको फंडल हाइट का सस्पिशन हो, यानी योर फंडल हाइट इज नॉट गोइंग विद द विद योर एक्सपेक्टेड जेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू डेट्स, आपको कम फंडल हाइट मिल रही है एग्जामिनेशन पे, पेशेंट बाय डेट 6-2 वीक्स है फंडल हाइट, 28 वीक्स मिल रही है, देन यू गो फॉर डॉपलर। अगर पॉलीहाइड्रोमियोस का पेशेंट है यू कैन नॉट रियली कोरिलेट योर डेट्स विद द फंडल हाइट, इट्स बेटर टू गेट अ बेसलाइन डॉपलर डन। अगर पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन या क्रॉनिक डायबिटीज का केस है तो उसके अंदर 28 वीक्स और 32 वीक्स पे डॉक्टर गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली रिकमेंडेड है। सो आई थिंक दीज आर द ओनली कंडीशंस जिसमें डॉक्टर कराना है, ठीक है? डॉक्टर रुबा, ये थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज ये सारी मांगनी होती है पेशेंट्स अगर कोई ग्रेव्स का इस तरीके का आ जाए तो एग्जाम में? नहीं, हम उसको भेज देंगे फिजिशियन के पास, जैसे हमने हेपेटाइटिस सी में बस LFTs कराने, PCR ELISA है फिजिशियन का काम, इसी तरह आपने बाकी चीजों में भी।
और डॉक्टर रुबा, मैंने एक दफे पेशेंट लिखी थी जो मुझे मतलब प्राइमरी ग्रेविडा थी, जो मुझे कह रही थी कि जो है शी हैड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर मैरिज और उसकी शादी को भी 3 महीने हुए थे कि शी गॉट रेगुलर साइकिल्स, तो उसकी एलएमपी कैसे निकाले, उसको इरेगुलर ही करके करे ना, 6 महीने का गैप रखे. एग्जैक्टली बिल्कुल. और उसकी एलएमपी वो है जिसके एक तो लास्ट उसको ब्लीडिंग हुई थी. किसी ने पूछा कि एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद कितनी देर तक ओसीपीज देने हैं, व्हाट अबाउट जीएनआरए? यस, जीएनआरएच आर आल्सो वेरी गुड बट हैज गॉट वेरी बैड साइड इफेक्ट प्रोफाइल. उसके साथ आपको एड बैक थेरेपी देनी पड़ती है. हाउएवर 3 मंथ्स तक होता है नॉर्मली, लेकिन अगेन रिकमेंडेड वो यही है कि इट्स बेटर अगर फर्टिलिटी के साथ हो तो गो फॉर डायरेक्टली फॉर द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. और लेकिन अगर आप दे रहे हो तो फिर कंटिन्यूस ओसीपीज या कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरॉन या जीएनआरएच फॉर 3 मंथ्स बहुत रेयरली होता है कि 6 मंथ्स तक जरूरत हो. 3 मंथ्स आर एडिक्वेट. मैम एक क्वेश्चन है कि सॉरी कि अगर मैम अगर फाइब्रॉइड है नली पेरिस वुमेन है या फर्टिलिटी कंसर्निंग पेशेंट है और उसका फाइब्रॉइड है, इसकी जीएनआर देने के लिए कोई कट ऑफ वैल्यू होती है या हम डायरेक्ट मायोमेक्टमी में जा सकते हैं? जीएनआरएच तो आप टाइम वेस्ट करोगे ना, फाइब्रॉइड की सर्जरी से जीएनआरएच आप क्यों देते हो, स्पेशली शी इज हियर फॉर फर्टिलिटी थिंग ना, तो फिर जीएनआरएच का क्या काम? देखो जीएनआरएच जब आप बात करोगे ना तो आपको इस दवाई के बारे में एग्जैक्टली इसके फायदे और नुकसान पता होने चाहिए. नुकसान क्या है? महंगा है बहुत ज़्यादा, साइड इफेक्ट बे इंतहा और बेहद बुरे. उसके अलावा 6 मंथ से ज़्यादा आप दे नहीं सकते. चौथा, फाइब्रॉइड के केस में इट विल मेक योर सर्जरी डिफिकल्ट, इसके प्लेन्स मुश्किल कर देगा वो मायोमेक्टमी को डिफिकल्ट. ठीक है, फायदे क्या है? यस, इट कैन श्रिंक द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. 6 मंथ 60% साइज कम, 50% कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही रोकोगे वो दोबारा रिकर कर, उसी वक्त रिकर कर जाएगा, वो फौरन से उतना ही बड़ा हो जाएगा फाइब्रॉइड. दैट्स व्हाई वी से दैट फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट सर्जिकल एंड नॉट मेडिकल. उसके अलावा इसका फायदा क्या है कि यस, ब्लड लॉस इंट्राऑपरेटिवली कुछ कम कर देगा, लेकिन उसके अलावा तो फर्टिलिटी के केस में तो बिल्कुल ही नहीं बनता. और जीएनआरएच तो इतना महंगा और यू नो. जी मैडम, ठीक है, थैंक यू. इसी तरह आपने इसी तरह जवाब देने, फायदे नुकसान बताओ. ठीक है, चलो आई थिंक काफ़ी अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे. शुक्र है मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली, तो अपलोड भी हम कर देंगे इस क्लास को. और देखा है कि फर्टिलिटी में भी हो जाता है. यस, वी आर सेइंग दैट फर्टिलिटी में लोग कर रहे हैं, एट टाइम्स वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, बट नो गाइडलाइन, इट्स स्टिल रिटन इन बुक्स दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल. द कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग इज व्हाई डू वी ट्राई टू अप्लाई अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग इन अ पेशेंट हू इज ऑलरेडी हैविंग इनफर्टिलिटी. तो उसके अंदर वी नीड टू बी वेरी श्योर वी गो फॉर मायोमेक्टमी. ठीक है ना, इच्छा टी के बड़े एक दो लोगों ने सवाल किए, बहुत अच्छा लेक्चर अपलोडेड है डॉक्टर शिनाज कौशल का यूट्यूब पर. ठीक है, और बाकी भी आई थिंक हर टॉपिक से रिलेटेड है, आपको इंशाल्लाह उसमें आंसर्स मिलते रहेंगे. तो ऑल द वेरी बेस्ट, बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, परेशान नहीं होना, हाथ पाँव नहीं फैलाने इतने. ठीक है, मोस्ट वेलकम, गुड लक, चीजें पूरी करके जाना तो उसमें तो इंशाल्लाह सारे. थैंक यू डॉक्टर, यकीन है. मोस्ट वेलकम, वेलकम, बस ऑल द वेरी बेस्ट. चलो ओके जी, हाफिज़.